मुझे मालूम था कि वो 100/100 तवायफ है। वो सुर्ख मस्नूई बाल, चुस्त कपड़े और दिन रात मर्दों के ठट में नाच गाने और कहकहे में बैठे बिठाए सुना करती थी। हम औरतें बड़े से बड़े पहलवानों को चित कर सकती हैं, मगर जब तवायफ से टक्कर होती है तो सारी निस्वानियत अपना सा मुंह लेकर रह जाती है। यही वजह है कि माँ लोरी के साथ साथ बच्चे के दिल में ये बात चिपका देती है कि तवायफ अजदहा है, सांप है, क्या कुछ है। और यही बचपन की नफरत अब तक मेरे खून में नाच रही है। वैसे हजारों औरतें गुजर जाएं पता नहीं चलता, लेकिन तवायफ को सूंघकर ही भड़क जाती हूँ। मुझे याद है कि ये खुशबू पहली दफा मैंने बहुत बचपन में सूंघी थी। बहराइच के सैयद मियाँ के मजार पर जुमेरात को तवायफों का जमघटा होता है। अल्लाह के प्यारे भी इस मुतबर्रिक दिन कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। एक पक्की सी तवायफ ने मुझे न जाने किस जज्बे के तहत गोद में उठा लिया। उसके फिसलते कपड़ों और मखसूस खुशबू में बसे हुए सीने से घबरा कर मैं जल्दी से उसकी गोद से मचल गई। उस दिन मुझे सब ने खूब छेड़ा कि बेचारी को रंडी ने छू लिया, और मैं भी इस हतक के एहसास से देर तक रोती रही। फिर एक दिन मेरी एक फूफी आई और उन्होंने मुझे गोद में लिया, और वही फिसलते हुए कपड़े और महकता हुआ सीना। न जाने क्यों मैं फौरन मचल कर भागी। मेरा अंदाजा ठीक निकला और मेरी रंगीन मिजाज फूफी मुश्किल से महीना भर रही होंगी कि 10 बच्चों के बाप मेरे अब्बा जान उन पर बुरी तरह आशिक हो गए। मेरी अम्मा बिचारी बुझकर रह गई। अगर कोई पान की दुकान के सामने शानदार होटल खोल दे तो बेचारी दुकान का जोबन कितने दिन का। खैर, टोने टोटके हुए तब जाकर कहीं उनके गुर्दों में दर्द उठा और वो भागी। हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि हम औरतें तवायफों को सूंघ कर ही खटक जाती हैं। फिर मैं नौकरी के सिलसिले में बाहर गई। वो कोठे से उतर रही थी और मैं चढ़ रही थी कि मैंने उन्हें सूंघ लिया। एह, ये मैं कहाँ आ गई? क्या कहेगी दुनिया? मेरे महकमे वाले क्या कहेंगे? एक से एक बदमिजाज भरा पड़ा है। मोहल्ले वालों से ज्यादा महकमे वाले ऐसी बातों के पीछे लगे रहते हैं। ईद का दिन था। गरीबी में कैसी ईद और कैसा मुहर्रम। कपड़े भी ना बदले, लेटी अखबार देखती रही। पड़ोसन के यहाँ 4 बजे से ही बर्तन खनक रहे थे। इन बेचारियों को नियाज नजर से की बड़ी फिक्र रहती है। मैं बिस्तर पर लेटी नाश्ता कर रही थी कि दरवाजा खटखटाया, और कबल इसके कि मैं संभलती कि वो आन धमकी। आमतौर पर किसे मालूम रहता है कि क्या होने वाला है, और उम्र में ये पहला मौका था कि कोई तवायफ दंदनाती चली आई हो, लिहाजा मैं घबरा गई। ऐह, मैंने कहा कि कहीं तुम नाश्ता ना कर चुकी हो, क्या लच्छम पश्चम सिवैयां बघारी हैं। वो अपने चुस्त कपड़ों में फुनकारी। कमबख्त को ये भी सोचने की फुर्सत ना थी कि तंग कपड़े पहनने के दिन कभी के जा चुके हैं, और खमीरी आटे को तसलों में कसने से निहायत ना हमवार सता हो जाती है। मैं सुबह के वक्त मिठास नहीं खाती। मैंने गुरूर से गृहस्थिन बनने की कोशिश की। उई, आज ईद के दिन भी मिठास नहीं खाती। भाई, तुम्हें हमारी कसम, थोड़ी सी जरूर चख लो। वो निहायत बेतकल्लुफी से पलंग पर बैठ गई। या अल्लाह, क्या ये मुझे भी तवायफ समझकर तबर्रुक के जरिए मेरे गुनाह धोने आई है? अभी कैसे बताऊं कि मैं कतई नेक और पारसा हूं? और फिर ओ माबूद, मैं जल उठी। लेकिन जब वो बेहयाई से मुसिर हो गई तो मैंने 2 चमचे चख लिए। मैंने 2 चमचे और खाए, मगर जी चाहा कि हलक में उंगली डालकर कह कर दूं कि मुझे क्या हो गया था। मैं तवायफ की कमाई खा रही थी? इसमत फरोशी से जमा की हुई घिनौनी दौलत, फाहिशा बदकार पेशा। मगर फिर भी मेरे दिल में निहायत बेशर्मी के बागियाना ख्यालात नाचने लगे। ये रंडी का पैसा भी तो उसने अपने बाप दादा का ही है। मेरे एक चचा थे जिन्होंने 3 हफ्ते में 30,000 रुपए रंडी बाजार में उड़ा दिए थे।
अब मैंने शौक से सिवैयां खानी शुरू की, जैसे मैं फेंका हुआ माल समेट रही थी। मैंने एक चमचा और लिया और वही इत्मीनान हो रहा था जो अंग्रेजी कपड़े जलाते वक्त बलवाइयों को होता है। हमारे इंतकाम पसंद आंखें उन खाली कपड़ों में अपनी मर्जी के मुवाफिक तखयली जिस्म देख कर सुकून महसूस करती हैं। मैंने सराहने की मेज से मैट्रिक के इम्तिहान की कापियां उठाकर देखना शुरू की। कैसी ईद और कैसी बकरीद, अभी 300 कापियां और देखना थी, मगर मेरा दिमाग जब खटकना शुरू कर देता है तो फिर पकड़ में नहीं आता। जलकर मैंने कई बदकिस्मतों को फेल कर दिया, फिर कापियां दूर फेंक कर अंगड़ाई लेने लगी। यहाँ की आबो हवा भी क्या अजीब है, जैसे बड़ी थकी थकी सी, और फिर पड़ोसन के यहाँ से कहकहों के गरम गरम भपके। बदनसीब, मुझे पड़ोसन पर रहम आने लगा। मुमकिन है गरीब अपना जौहर इस्मत लुटाने पर मजबूर हो गई हो, शायद किसी जालिम ने उसकी इज्जत लूट ली हो और फिर वो खिसिया कर सरे बाजार बिखेरने लगी और मुझे उस पर प्यार आ गया। लेकिन बुरा ख्याल भी हमेशा नेक ख्याल के साथ आया करता है, और जो ही नेक ख्याल ऊंघा बद ने फन उठाया, यकीनन ये सुर्ख बालों वाली तवायफ तो जानबूझकर शौकिया बनी होगी। सुस्ती के मारे दुनिया का कुछ और काम ना हो सका, मजे से ये पेशा अख्तियार कर लिया। हाँ और क्या, ये झमेले हैं दुनिया के, और पेशों में मियां बीवी बच्चे सास नंद की तूतू मैं कौन भुगते। भला ये जो बन कायम रहता, जो पड़ोसन की भी दो चार सास नंदे होती, तौबा कीजिए। एक दिन जैसे ही फ्लैट पर पहुंची, पड़ोसन के यहाँ किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई। सारे दिन की थकन, उस पर घड़ी भर को चैन नहीं। स्कूल से आकर जब तक कई घंटे मुर्दे की तरह ना पड़े रहो, थकन नहीं उतरती। दरवाजा खुला और वो फिर चली गई। आते ही गर्जी, मैं तो आजिज आ गई हूँ निगार से, अल्लाह जानता है ऐसी भी क्या स्कूल की पढ़ाई की नास लग जाए। सरंडियों के भी लड़कियों के नास लगते हैं, तो क्यों भेजती है स्कूल, उठा लीजिए। उई उठा लूं, लो और सुनो। ए बी, आजकल बेपढ़ी लिखी को कौन पूछता है, आजकल बस गिटपिट गिटपिट करती मेम चाहिए। ये मुझे आज ही मालूम हुआ कि इस पेशे में भी तालीम याफ्ता होने की जरूरत है। शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ के हवालों की भी जरूरत आती है, क्या बात हुई। मैंने कहा, बेटी निगार आज खड़ा पैजामा पहनो। कहा कि नहीं, जो बात है वो नहीं, बस वो मोटी फराखे चढ़ा लो। मैंने कहा, तुम कहो तो शायद मान जाए, बात यह है कि कुछ लोग दिल्ली से आ रहे हैं। उन्होंने जरा राजदाराना अंदाज में कहा। मेरा दिल चाहा उनका चुकंदर जैसा मुंह खसोट लो। जी, यानी मैं समझाऊ। अब भला बताइए, ये कैसे सिखाऊं कि कलकत्ता वालों के लिए साड़ी और लाहौर वालों के लिए शलवार पहनूं। और तुम कभी हमारी तरफ नहीं आई, उन्होंने ढिटाई से कहा, कबल इसके कि मैं रूखा जवाब दूं, बोली, निगार ने तो नए तोड़े सीखे हैं। अगर मुझे किसी वक्त रंडी पर प्यार आता है तो उस वक्त जब वो नाच रही हो, उस वक्त तो मुझे ऐन उस मजदूर की तरह मालूम होती है जो पेट की खातिर कोहलू में बैल की तरह जुता हुआ हो, मगर मुझे तवायफ की जिंदगी के दूसरे रुख से घिन आती है। इसलिए नहीं कि वो कुछ मुख्तलिफ है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ जरूरत से ज्यादा मुश्किल है। खैर, दूसरे दिन हिम्मत करके मैं सेठानी के फ्लैट में चली गई कि देखूं अंदर से इन लोगों के घर कैसे होते हैं। ओफ, बस समझ लीजिए कि छोटे मोटे राजा या वजीर का घर, कद आदम तस्वीरें, बरहना औरतों के मुजस्मे। सेठानी तो शायद अपने जिस्म की भयानक सिलवटों को उन सिडोल मुजस्मों के आड़ में छुपाना चाहती। होगा कोई गुर इन लोगों का। निगार मुझे देखकर ऐसे शर्माई, गोया अभी अंडा कुटक कर बाहर निकली है। बड़ी देर नखरे करने के बाद आई, उफ ये रंडियां, मैंने सुना था कि इनके जिस्मों को घुन लग जाता है, मगर सेठानी तो लोहे की लाट रखी है, जब नाचती है तो उफ, लगता है नागिन नाच रही हूं। मेरा दिल लरज उठा, न जाने ये नागिन कितने लोगों को डसेगी। वैसे तो हर औरत दूसरी औरत से वक्त बेवक्त जल से जाती है, मगर तवायफ से तो खुदा की पनाह। शाम हुई तो गाहक आने लगे,
मारे शर्म के मैं सुकड़ी एक तरफ बैठी रही कि मौका मिले तो जाऊं। ये मुझे भी उनमें से एक न समझ लें। और यही हुआ कि एक बुझे हुए से एडिटर साहब ने मुझे बहुत पका दिया। कमबख्त मैं कुछ बोल भी ना सकी। खैर, इस वक्त पूरा हॉल भर चुका था। रंगीन औरतों और अय्याश मर्दों के कहकहे चल रहे थे, मगर समा तो सेठानी ने बांध रखा था। दो चार कमसिन लड़कियों के बीच सेठानी बला की हसीन और कमसिन मालूम हो रही थी, और मैं मुतहय्यर थी कि जवानी उम्र से होती है या अदाओं से। वो बुजुर्ग एडिटर साहब बड़ी तरक्की पसंदाना बातें करके मुझे परेशान कर रहे थे। मौका पाकर मैं लपकी अपने कमरे की तरफ। पलंग पर लेटकर ना तो नींद आई और ना ही कोई काम हो सका। दूसरे दिन कॉलेज के इंस्पेक्टर आने वाली थी। मुझे उसको रिझाने के लिए 100-100 बनाव करने थे। सबक मौसर हो, अंदाजे गुफ्तगु मरूब कुन, लिबास मुदब्बराना और चाल ढाल में नरमी आमेज दबदबा। मैं लेटे लेटे ही अपने मौजिस पेशे की शरीफाना वर्जिश करने लगी। सोचते सोचते मेरे दिमाग में बदी ने करवट ली और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी सेठानी बनकर अपने ग्राहकों के दरबार में जाती। फर्क इतना है कि मैं दिमाग बेचती हूँ और वो जिस्म। हम दोनों एक ही बाजार में अपने अपने खोंचे लगाए बैठी। माल मुख्तलिफ है मगर मकसद वही। मेरे मुरझाए हुए दिमाग की हैसियत उनके वसी जिस्म के आगे ऐसी ही है जैसे पान बीड़ी की दुकान के आगे क्रिकेट क्लब। यकीनन मेरा सौदा बुरा रहा और मैं अपने तखय्युल से भड़काई हुई आग में जलने लगी। लोगों को तवायफों पर रहम आता है, उनको सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि जो लोग बुरी गत से हैं उनके दिन फिर जाएं, गंदी नालियों के किनारे जो मकान हैं वो मरीन ड्राइव पहुंच जाएं, और यहाँ तनख्वाह का ग्रेड हर साल गिर रहा है उसकी परवाह नहीं, तालिब इल्मों की तादाद दोगुनी हो जाए, दफ्तर के क्लर्क भबोर डालें कुछ परवाह नहीं। उस्तानियां बच्चों के दिमाग बना रही हैं और तवायफ लावारिसों के दिल को ठंडक दे रही हैं। दोनों ही अपना अपना काम कर रही हैं, फिर क्यों। दूसरे दिन सेठानी फिर आ पहुंची और मुझे नसीहत करने लगी। ऐ है बस हर वक्त पढ़ना, अल्लाह रे दिमाग भी हिल जाता होगा। मैं मिनमिना कर चुप हो गई। देखो ना क्या शक्ल निकल आई है। उन्होंने रहम खाना शुरू किया और मेरे दिमाग में बगावत का भूत नाचा। ये मुझे क्यों छेड़ती है खामा खान, या अल्लाह मैं कहाँ आ गई। ऊपर से ये इमारत बिल्कुल शरीफों के रहने की मालूम होती है, बोर्ड पर नाम भी शरीफों के जैसे हैं। वो हमीद साहब तुमसे फिर मिलने को कहते हैं, ये वही एडिटर साहब थे। अरे ये तो क्या इस सेठानी ने वाकई मुझसे ये पेशा कराने का पक्का फैसला कर लिया है, यानी अपने ग्राहकों में ये मरियल छांट कर मुझे देती जाएगी। भाई आज तुम्हें जरूर सिनेमा लेकर जाऊंगी, वो इठलाई। मगर मुझे तो वाजे रहे कि मेरा पेशा बाइज्जत होने के अलावा काफी मेहनत तलब है। अरे हटाओ भी, तुम्हें तो हर वक्त काम ही रहता है। हमीद साहब तुम्हारे लिए खास तौर पर पास लाए हैं और तुम हो कि टाल रही हो। अरे यही तो उम्र है हंसने बोलने की। या मौला, तो अब मेरा महजब पेशा खत्म और ये हंसने बोलने का पेशा शुरू। तौबा, अगर मेरी माँ बेचारी को मालूम हो तो क्या हाल हो उनका कि उनकी नेक बेटी को न सिर्फ बहकाया जा रहा है बल्कि सौदा भी तय हो गया है। आज पास आ गए हैं, कल बनारसी साड़ी, परसों हीरे के बुंदे, तरसों वो खुद मैं अपने मुसव्विराना ख्यालात के। मैंने रुखाई से इनकार कर दिया और वो मुजमहिल सी होकर बड़बड़ाती हुई चली गई। तौबा तौबा, ऐसा भी क्या, जब ही कहते हैं कि इतना पढ़ाना लिखाना भी अच्छा नहीं है लड़कियों को। जी हाँ क्यों नहीं, पढ़ लिख कर करेंगी ही क्या, आपका लतीफ पेशा सलामत रहे, क्या जरूरत है कि दिमाग बच्ची करे कोई। मेरी समझ में ना आया कि बावजूद इतनी बदमिजाजी के मुझमें ऐसी क्या दिलचस्पी थी जो बार बार पड़ोसन आती थी। मैं कापियां दुरुस्त करने लगी और खुदा ये फेल होने वाले भी जान जलाते हैं। दिल चाहता है कि जो फेल नहीं हुआ है उनको भी फेल कर दूं, ताकि सब की सब सिठानी की तरह तबाही के गार में गिर पड़े। फिर एकदम से मैंने सोचा, नहीं ये तो निहायत अजीब सजा है, बेहतर है कि मैं उन्हें अपनी तरह कौम की खिदमत के लिए बाहिम्मत और मेहनती उस्तानियां बना दूं, ताकि
ताकि वो भी आगे सोचने की ताकत ना रही। सेठानी और निगार हंसती खिलखिलाती हमीद साहब और दो चार और आशिकों के साथ सिनेमा गई। जब वो आई तब भी मैं जाग रही थी। जहां गुनूदगी आई और अफरीदा ने दांत निकालकर हमला किया, भला इस तरह कौन काम कर सकता है। दो चार दिन और रही इस रंडी के पड़ोस में तो ना जाने क्या हो। मेरे ख्यालात दिन ब दिन उलझते रहे और अपने जमीर की बात करते डर लगता था कि ना जाने कम्बख्त क्या बोल उठे। मैं सर पकड़कर पलंग पर बैठ रही। थकी हारी सेठानी सो गई। फ्लैट पर खामोशी छाई हुई थी। चंद बाहियार ख्यालात दिल में झांके। जरा ढील दी तो रेले का रेला टूट पड़ा। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि फ्लैट बदल दूंगी, वरना जौहरे बेबहा कीचड़ में ना जाके। और वो दौलत जिसके पीछे मशरकी औरत जान दे देती है मिट्टी में मिल जाएगी। दुनिया में औरत के पास ये इस्मत ही तो एक शय है जिसे कोई पेट की खातिर लुटाती है तो कोई उसकी खातिर जान लुटाती है। थक हार कर ख्यालात में उलझी सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर मैं जब नीचे जाने लगी तो सेठानी फल वाले से खड़ी उलझ रही थी। मुझे देखकर गैरों की तरह मुंह फेर लिया। फख्र से मेरा सर ऊंचा हो गया। आखिर को उसे मालूम ही हो गया कि मैं शरीफ औरत हूं और वो बाजार की जिंस। उसके दो चार दिन के बाद का जिक्र है। मेरे मामू जाहिद भाई और उनकी बीवी आए। जब से मैंने ये फ्लैट लिया था मैं डर रही थी कि शाहिद ये सुनकर चिरागपा होंगे कि मैं ऐसे पड़ोस में रहती हूँ। जैसे ही वो आए सेठानी के फ्लैट से कह कहे बड़े बड़े चट्टानों की तरह लुढ़क लुढ़क कर गिरने लगे। मैंने नफरत से दरवाजा बंद कर दिया। कमबख्त हर वक्त बदतमीजियां होती रहती है। कहां यहां कमबख्त एक तवाइफ रहती है, हर वक्त ठट लगा रहता है। तवाइफ यहां? मगर ये तो निगार की आवाज है। वो चौंके। हाँ हाँ भाई, अरे तुम नहीं मिली उनसे? मैंने तो निगार के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन किया था। अरे ये तो बड़े खानदानी लोग हैं। ये सेठानी? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? मैंने मायनी खेज नजरों से उनकी बीवी को देखा। हाँ भाई, सेठ अब्दुल्ला की बीवी सर अब्दुल करीम के खानदान से हैं और वो दिल्ली के हैं। उनकी बीवी चिश्तियों के खानदान की हैं और रजिया की खाला लगती हैं। मुमानी? रजिया बोली। मैं हैरत ज़दा इबरतनाक जलजलों को छुपाने की कोशिश करने लगी। मैं सन रह गई जैसे मैंने किसी मुकद्दस किताब को ठोकर मार दी हो और कफारा कफारा मेरे इम्कान से बाहर हो। तो वो कोई दूसरा फ्लैट होगा, मैंने हकला कर कहा।